सुन, मेरी रिंग ना गटर पे गिर गई है, तू मुझे निकाल देगी क्या? मैं तुझे 50 रुपया दूंगी। दीदी मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो चुकी हूँ। तुम जैसे लोग स्कूल भी जाते हो क्या? खैर छोड़, मुझे क्या, तू मुझे रिंग निकाल दे इस गटर में से, मैं तुझे 50 नहीं 100 रुपया दूंगी, ठीक है? दीदी आप समझ क्यों नहीं रही हो, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं नहीं निकाल सकती हूँ। अच्छा बेटे को स्कूल जाना है, तेरी पूरी खानदान गटर साफ करती है और तू कह रही कि तुझे स्कूल जाना है। अरे स्कूल जाके क्या करेगी, पढ़ लिख के क्या करेगी, बड़े होके तो गटर साफ करना ही है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर ले। और मैं तुझे ऐसे रिंग निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, पैसे, वो भी 50 नहीं 60 नहीं 100 100। अभी जिंदगी में इतने सारे पैसे देखे नहीं देखे ना, चुपचाप जाके मेरा रिंग निकाल गटर से। दीदी मेरे पापा मुझे पढ़ा लिखा कर IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं और मैं भी IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपकी रिंग गिरी है, आप खुद ही उठा लीजिए ना, मुझसे क्यों करिए? वैसे भी मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती है? तेरे माँ बाप ने यही सिखा है कि बड़ों से कैसे बात करते, और मैं तुझे कोई फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ, पैसे दे रही हूँ रिंग निकालने के, समझे? निकाल अब चुपचाप से निकाल। पर दीदी क्या परवर, हाँ तुम लोग के पास तो आइडिया रहता है ना कि गटर में से रिंग कैसे निकाला जाता है, तो चुपचाप निकाल ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही है और टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, जा अब निकाल। दीदी मैं गटर में से रिंग तो निकाल देती लेकिन मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, और आज मुझे स्कूल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा एग्जाम है आज स्कूल में। 200 रुपए के तो कपड़े पहने हैं तूने, उसके लिए भी इतनी चिंता? तुझसे ज्यादा महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने मैंने, अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर और मुझे ऑफिस भी जाना है, चुपचाप मेरी रिंग निकाल, चल चल रिंग निकाल। दीदी दीदी प्लीज मुझे इस गटर में से बाहर निकाली ना, दीदी प्लीज, दीदी मुझे निकाली ना, मेरे स्कूल में एग्जाम है दीदी प्लीज। जब तक तू मेरे इस गटर में से रिंग निकाल कर नहीं देगी मैं तुझे ऊपर आने नहीं दूंगी, अब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से मेरा रिंग दे, मुझे लेट हो रहा है। दीदी प्लीज निकालो ना मुझे यहाँ से। ओफो कितने ड्रामे कर रही है, पैसे दे रही हूँ ना मैं तुझे, रिंग निकाल, ज्यादा नाटक मत दिखा मेरे सामने, रिंग निकाल। दीदी प्लीज निकालो ना मुझे। अरे कितने ड्रामे कर रही है, निकालती क्यों नहीं जल्दी से, जल्दी निकाल, उधर ढूंढ, नहीं नहीं उधर उधर नीचे देख, अरे उधर देख ना, अच्छे से देख मेरे मुंह में क्या देख रही है, उधर देख उधर। दीदी ये लो आपकी रिंग दे, अब तो निकालो मुझे। अगर तभी निकाल दिया होता तो इतना ड्रामा ना देखना पड़ता, अब खुद ही निकाल गटर में से बाहर, हूँ मैं तो नहीं निकालने वाली। दीदी रुकिए ना दीदी प्लीज, कोई है अंकल आंटी भैया मुझे निकालिए ना यहाँ से, कोई है। सर ये तो गलत बात है ना। गलत लेकिन क्या? यही कि आप मुझे नोटिस नहीं भेज सकते। नोटिस? कैसी नोटिस? अब मुझे ऑफिस का काम छोड़कर ऑफिस की साफ सफाई करनी होगी। अगर कंपनी चाहती है कि आप साफ सफाई करें तो आप कीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर ये मेरा काम नहीं है और ना ही मैं ये काम करूंगी, मैं लैपटॉप में काम करती हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करती हूँ, अब मैं ऑफिस के काम छोड़कर ऑफिस की साफ सफाई करूँ क्या? यहाँ साफ सफाई करने के लिए नौकर तो रहते हैं ना, अब उनसे कहिए, मुझसे क्यों कह रहे? अरे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लेना लेकिन काम कर लो। नहीं सर मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए और ये मेरा काम है भी नहीं और मैं नहीं करूँगी। अच्छा तो ये आपका काम नहीं है, वेरी गुड। अच्छा आपकी सैलरी कितनी है? सर 30,000। 30,000 ठीक है, 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, काम कर लेना, जाओ कल से झाड़ू पोछा वाला काम शुरू कर देना। नहीं सर मैंने आपको कहा ना मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते, और सर आप मेरे मजबूरी का फायदा भी नहीं उठा सकते, मैं ये काम नहीं करूंगी। अच्छा मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी वेरी गुड। चमेली चमेली बेटा जरा इधर आना, तुम इसे पहचानती हो? नहीं सर मैं इसे नहीं जानती, कौन है ये? अच्छा चमेली बेटा जरा बताना तुम कौन हो? दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो, 2 दिन पहले आपने ही तो मुझे गटर में धक्के मारकर गिरा दिया था अपनी रिंग निकालने के लिए, फिर मैंने आपको अपनी रिंग निकाल के भी दे दी थी, लेकिन आपने मुझे दोबारा वहाँ से निकाला ही नहीं, मैं कितना चीखी चिल्लाई लेकिन आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, आपने मेरी मदद नहीं की, आप मुझे वहाँ अकेले छोड़कर भाग गई। सुन लिया ना तुमने, अब क्या कहना चाहती हो, क्या जवाब है तुम्हारा इसका? सर वो मेरी सोने की रिंग थी, अगर मैं गटर में चली जाती तो मेरे पूरे कपड़े खराब हो जाते, इसलिए मैंने इसे भेजा, और वैसे भी सर इसकी पूरी फैमिली ये काम करती है, तो मैंने सोचा ये भी कर लेगी,
इसलिए मैंने इसे गटर में भेजा अपनी रिंग निकालने को। तुम्हारी सोने की रिंग बहुत कीमती थी, बहुत महंगी थी, इसलिए तुमने इसे भेजा गटर में अपना रिंग लेने के लिए। उसी तरह हमारी कंपनी भी बहुत महंगी और बहुत कीमती है, तो इसे साफ सुथरा रखने के लिए हमें और सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कंपनी ने तुम्हें चुना है कंपनी की साफ सफाई और ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए। तुम पूछोगी नहीं कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला? दरअसल इसकी मम्मी हमारे कंपनी में काम करती है, साफ सफाई वाला। जब 3 दिन तक इसकी मम्मी काम करने नहीं आई तो मैंने इसकी मम्मी को फोन करके पूछा कि काम पे क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटी की तबीयत खराब है। तो मैंने पूछा कि बेटी की तबीयत कैसे खराब हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बदतमीज लड़की इसे गटर पे छोड़कर चली गई। इसे गटर पे अपनी रिंग लेने के लिए उतारा था लेकिन दोबारा वापस नहीं निकाला और ठंड हो गई, इसे ठंड की वजह से बीमार पड़ गई और फिर वो आ नहीं पाई, अपनी बेटी की देखभाल करनी पड़ी उन्हें, इसी की वजह से ये सब मुझे पता चला। तुम्हें पता है इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने इसे गटर पर उतारा था अपने रिंग निकालने के लिए और इसे निकाला भी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? अगर इसे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम होती, तुम लेती इसकी जिम्मेदारी? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें समझना चाहिए कि कोई इंसान किसी काम के लिए मना कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, लेकिन तुम जैसे अमीर लोग ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी बात को काटे। तुम्हें समझना चाहिए कि गरीब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते, उन्हें जीने का हक है, लेकिन तुम जैसे अमीर लोग कभी भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हो, हमेशा उनके रास्ते के बीच आते हो। ऐसा नहीं चलेगा, गरीब लोग भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चल सकते हैं। और तुमने क्या कहा था कि इसकी फैमिली गटर में काम करती है तो ये भी गटर में काम करेगी? ऐसा कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा है ऐसा? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सर, पापा का दुकान है। और तुम्हारे दादाजी? वॉचमैन। तो वो वॉचमैन थे ना, फिर भी तुम इस कंपनी में काम कर रही हो ना? वैसे अब तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो इस कंपनी को छोड़ दो या तो 1 महीने तक कंपनी की साफ सफाई करो। अब चुन लो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साफ सफाई करना है या कंपनी को छोड़कर जाना है। इट्स अप टू यू। नहीं सर, मैं ये कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती, मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए। साफ सफाई मैं कल से कर दूंगी। वेरी गुड, कल से तुम साफ सफाई वाला काम शुरू कर देना। और सुनो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें सीधा कंपनी से निकाल दूंगा, इसीलिए अच्छे से और ईमानदारी से काम करना। और दीदी, आप क्या कह रही थी कि हम जैसे लोग पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन नहीं, हम जैसे लोग पढ़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आप जैसे लोगों के कारण हम पीछे नहीं रह सकते। मैं भी पढ़ूंगी और सर के जैसे बनूंगी। देखो कितनी समझदार है ये लड़की, कितने अच्छे संस्कार दिए इसके माता पिता ने इसे। और तुम जैसे लोगों की दिमाग तो घुटनों में रहती है ना, हमेशा ऊत पटांग हरकतें करते रहते हो, लोगों को नीचा दिखाते रहते हो, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आज के बाद तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, इसलिए अपनी काम ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से कर। अब जाओ यहाँ से और अपना काम शुरू कर दो। ठीक है सर। जाओ,